अब हम इन व्हीलों में लगाएंगे आग गाइस। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो गाइस, आरसीकार बर्नआउट की पार्ट 3 वीडियो में आपका फिर से सभी का स्वागत है। तभी देखो गाइस मैं पानी ले आ चुका हूँ गाइस, इन बोर्ड को फिर से टाइट करते हैं। जबकि गाइस मैंने इन काफ़ी टाइट देखो गाइस डबल डबल बोर्ड लगा रखे, उसके बावजूद भी गाइस ये फ्री हो चुके हैं गाइस जी। समझो फिर कितनी पावरफुल है हमारी आरसीकार। तो मैंने टाइट करता हूँ गाइस जी इनकी मदद से, उसके बाद फिर से करते बर्नआउट स्टार्ट गाइस। A few moments later. तो अभी तो गाइस मैंने अभी इतना टाइट कर दिया गाइस इनको कि व्हील टेढ़े मेढ़े हो चुके गाइस। और अभी करते फिर से बर्नआउट स्टार्ट गाइस, 1 2 3 गाइस लेट्स गो। ये देखो गाइस व्हील टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं दोनों को, दोनों के मैंने बिल्कुल ही टाइट कर दिया गाइस। तो गाइज ये देखो टेढ़े मेढ़े होने के कारण इसका बैलेंस ही खराब होता जा रहा है गाइज, लेकिन अभी स्लोली स्लोली रिस्टार्ट करते भी। तो गाइज ये रिमोट है गाइज, इसकी भी अभी हमें जरूरत नहीं क्योंकि गाइज इसमें बैटरी नहीं है, इसकी बैटरी खराब है गाइज, सबकी बैटरी खराब हो चुकी है गाइज। तो मुझे इसे हाथ से कंट्रोल करना होगा यहाँ से। हो चुका है हमारा बनना स्टार्ट, लगभग इसका बैलेंस बन चुका है। थोड़ी थोड़ी स्पीड देता हूँ गाइस, गाइज हमारी ये जो बैटरी है बैठ चुकी है बिल्कुल ही, तो इसे टटा नहीं होगा गाइज हमें। गाइज थोड़ी देर में काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुकी थी, इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है, ये देखो ये पिघलने लगे। अभी मैंने 12 वोल्ट की बैटरी रखी है और अभी करते फिर से स्टार्ट। इस बैटरी से हमें इतनी स्पीड देखने को मिलेगी गाइज, गाइज हमारी मोटर लगता है काफ़ी हीट होने लगी है अभी, तो इन्हें थोड़ा रेस्ट कराते हैं। ये हमारा स्पीड कंट्रोलर वगैरह नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा गाइज, सिर्फ मोटर थोड़ी थोड़ी हीट हुई थी गाइज। ये देखो गाइज व्हील, ये देखो व्हीलों की बर्नआउट इस प्रकार होती है गाइज, व्हीलों की बर्नआउट। अब इस पर गाइज हम एक और भयानक एक्सपेरिमेंट करने वाले गाइज, अब हम इन व्हीलों में लगाएंगे आग गाइस। अरे बाबा जी बिल्कुल गाइस, इनमें लगाएंगे आग, उसके बाद करते बर्नआउट गाइस, तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है गाइस वीडियो में। तो सेट ठोक दीजिए महाकाल का, तबाके लाकर सेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।